हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स डे 4 ऑफ आवर उड़ीसा ट्रिप। आज हम लोग भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वहाँ पे आए हैं। सुबह उठने में बहुत लेट हो गया था तो हम लोग कुछ व्लॉग नहीं कर पाए, इंट्रो नहीं बना पाए। तो जो भी है, हम लोग अभी लिंगराज पहुँचे हैं। द बैड न्यूज़ इज़ मंदिर के अंदर फोन कैमराज इज नॉट अलाउड। दिस इज़ अ लेक, सॉर्ट ऑफ अ पॉन्ड इन द कैंपस ऑफ द लिंगराज टेम्पल। पूरा एल्गी से भरा हुआ है, कुछ लोकल्स यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। बट जो भी है, हम लोग अंदर तो कैमराज नहीं लेके जा सकते, इनफैक्ट सब कुछ रख के जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जगह हर मंदिर के बाहर आपको दुकानदार मिल जाएंगे जो आपका सारा सामान रख लेते हैं। इट कॉस्टर्स लाइक 50 रुपीज़ पर पर्सन। हम लोग को जूता वूता रखने के लिए हमने पूछा था अभी, तो 50-60 रुपये लग रहे हैं पर पर्सन। बैग्स, जूता, जो भी है सब कुछ रख सकते हैं। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं उदयगिरी और खंडगिरी केव। लिंगराज में कुछ भी व्लॉग कर नहीं पाए बिकॉज अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उदयगिरी खंडगिरी जो है ये जैन मॉन्क्स का केव था, जहाँ पे पुराने दिनों में जो जैन मॉन्क्स थे वो रहते थे। अब ये केव्स एक्चुअली सेमी नेचुरल है, सेमी आर्टिफिशियल है। ये जो देख सकते हैं जो रॉक फॉर्मेशन है उसमें इन लोगों ने इसको एक्चुअली काट के बनाया है, जो गुफाएँ हैं, और यहाँ पर रहते थे। अभी तो फिलहाल सिर्फ लंगूरी दिख रहे हैं केव्स में, मुझे कोई मॉन्क्स तो दिखे नहीं है। ये अभी एक इट्स अ वेरी गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नाउ। अब हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ, एकदम सबसे टॉप पॉइंट, मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे, क्योंकि सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। तो वहाँ से सनसेट का व्यू बहुत ही अमेजिंग आएगा मेरे ख्याल से। तो मैं और दीप चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे से के बाद हमें जाना है धौलागिरी, जो कि जहाँ पे एक स्तूपा है, जो सांची स्तूपा बोल के जो है, शांति स्तूपा, सॉरी नॉट सांची स्तूपा। तो शांति स्तूपा में जाना है यहाँ इसके बाद। अब वी आर ऑलरेडी ऑन द क्लॉक, वी आर ऑलरेडी अ बिट लेट, तो देखते हैं अगर टाइम में पहुँच पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो चलते हैं इसके एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है जस्ट बिफोर सनराइज सनसेट। दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू। आजा आजा, नाउ व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा व्यू मिल जाएगा यहाँ से पूरे सिटी का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा भुवनेश्वर शहर। मस्त नहीं का बस वही देख रहा था कि शायद जूता खोलना पड़ेगा, तो अभी शूज ओपन कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। जूता खोलना है, ये अभी शांति स्तूपा का लाइट्स ऑफ है, लाइक वी कांट इवन सी द थिंग। सो गाइस, वी हैव रीच्ड धौलागिरी। हम यहाँ पे पहुंचे तो 6:10 हो चुका था,
वैसे अंधेरा हो चुका है, कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे हैं। हमने कुछ फोटोग्राफ्स ज़रूर खींच लिया बट वो अब बस वीडियो में डाल दूंगा, आप सब देख सकते हो। जैसे धौलीगिरी का जो शांति स्तूपा है वहाँ पे कोई लाइट्स की फैसिलिटी नहीं है, तो पूरा ही अंधेरा था। सामने एक छोटा सा मंदिर है, इस मंदिर में थोड़े बहुत लाइट्स है बट मंदिर भी अभी बंद होने वाला है, सारे स्टॉल्स बंद हो चुके हैं और मंदिर भी बंद होने वाला है। पुजारी जी जो हैं वो लोग सब बंद कर रहे हैं अभी, वहाँ क्लीनिंग हो रहा है मंदिर का, तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे जस्ट बैठे हुए हैं बिकॉज बहुत अच्छी ब्रीज आ रही है और यहाँ से भुवनेश्वर शहर का जो व्यू है दैट इज़ रियली गुड, नाइट व्यू बहुत अच्छा है बिकॉज यू कैन सी द एंटायर सिटी फ्रॉम हियर। तो यही है, अब यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे एक फ्रेंड से मिलने, देन विल हैंग आउट विद देम फॉर अ वाइल एंड अभी हमारा ये हमारा भुवनेश्वर का ट्रिप कंक्लूड हो जाता है इसके साथ, उड़ीसा का ट्रिप। सो आई विल मीट यू अगेन ऑन द रोड।